हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके सीरीज का पार्ट नंबर 15। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 14 तक की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, और ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, और ऑप्शन सी इंद्र तृतीय, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दिया हुआ है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए गोविंद तृतीय, और ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, और ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय, और ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए गोविंद तृतीय, और ऑप्शन बी कृष्ण तृतीय, और ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, और ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि फोर नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? ऑप्शन ए कृष्ण तृतीय, और ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, और ऑप्शन सी इंद्र तृतीय, और ऑप्शन डी गोविंद तृतीय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है फाइव नंबर क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए आदित्य प्रथम, और ऑप्शन बी विजयालय, और ऑप्शन सी राजराज प्रथम, और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चोल वंश के संस्थापक थे वो थे विजयालय, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सिक्स नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, चोल वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, और ऑप्शन बी राजराज प्रथम, और ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सेवन नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, राजराजेश्वर शिव मंदिर को किसने बनवाया? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, और ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, और ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि एट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, और ऑप्शन बी आदित्य प्रथम, और ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य प्रथम, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि नाइन नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, और ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, और ऑप्शन सी राजराज प्रथम, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि टेन नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, और ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन, और ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि इलेवन नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है, वीरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्य, और ऑप्शन बी पल्लव, और ऑप्शन सी सातवाहन, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य, यानी कि जो वीरूपाक्ष का मंदिर था उसका निर्माण चालुक्य ने करवाए थे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन ए जयसिंह द्वितीय, और ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, और ऑप्शन सी विक्रमादित्य द्वितीय, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट ने, और ऑप्शन बी चोल ने, और ऑप्शन सी चेर ने, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन ए जैन धर्म को, और ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को, और ऑप्शन सी शैव धर्म को, और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है पल्लवों की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन ए संस्कृत, और ऑप्शन बी तमिल, और ऑप्शन सी प्राकृत, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृत, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए पल्लवों ने, और ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने, और ऑप्शन सी चोलों ने, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ठीक, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए शिव, और ऑप्शन बी विष्णु, और ऑप्शन सी सूर्य, और ऑप्शन डी इंद्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, और ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, और ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोज में।